हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसम बाय सिमरन। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा ब्राइडल हेयर स्टाइल, बिल्कुल ही डिफरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने किया है ईयर टू ईयर पार्टिंग, और इसके बाद हम यहाँ करने वाले हैं क्रिम्पिंग। तो क्रिम्पिंग के लिए हम छोटे छोटे सेक्शंस निकाल लेंगे, और माइक्रो क्रिम्पिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टाइलेक्स का माइक्रो क्रिम्पर। आप आइकॉनिक या किसी भी ब्रांड का माइक्रो क्रिम्पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम माइक्रो क्रिम्पिंग कर रहे हैं, एक एक सेक्शन लेके हमें करना है। ऊपर ऊपर वाले पार्ट में हमें ज़्यादा प्रेशर के साथ क्रिम्पिंग करनी है, और नीचे आते आते वो प्रेशर जो है वो कम कर देना है। तो इसी तरह आप चाहो तो क्लिप से भी सेक्शन निकाल सकते हो, टेल कॉम से भी निकाल सकते हो, अपने फिंगर या नेल की हेल्प से भी निकाल सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम क्रिम्पिंग कर रहे हैं अगेन ऊपर ऊपर की साइड पे प्रेशर तक, और नीचे आते आते जो है वो प्रेशर कम कर देना है, क्योंकि मेन जो हमें बाउंस चाहिए वो फ्रंट पे चाहिए, ऊपर ऊपर की साइड पे। जब भी हमें क्लाइंट के हेयर में क्रिम्पिंग करनी है, तो इसी तरह 4 से 5 बार जल्दी जल्दी से बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट जो है उस पर हम क्रिम्प करेंगे। ज़्यादा देर तक अगर हम वहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो हीट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लाइंट को गर्म लग सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम सबसे ऊपर क्रिम्प करते हैं स्कैल्प के पास में, तो हमें वहाँ पे 4 से 5 बार जल्दी जल्दी से क्रिम्प करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डमी है, तो मैंने आपको एक सेक्शन करके दिखा दिया है जल्दी वाला, बाकी अभी हम नॉर्मली अच्छे से इसको डमी को क्रिम्प करेंगे। आप अगर कोई भी एडवांस हेयर स्टाइल या नॉर्मल हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो ईयर टू ईयर क्रिम्पिंग ज़रूर करिए, बहुत अच्छी वॉल्यूम मिलेगा, बहुत अच्छा बाउंस मिलेगा आपको, जिससे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। जितने थिन यानी कि जितने पतले सेक्शंस आप यहाँ पे लेंगे, उतना ही अच्छा आपको वॉल्यूम मिलेगा। अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं हैं और आप सारी प्रैक्टिस डमी पे ही कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रैक्टिस जो है वो डमी पे कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय रियल हेयर डमी। और रियल हेयर डमी का फ़ायदा ये रहता है कि जब आप इसके बाद डायरेक्टली क्लाइंट के ऊपर हेयर स्टाइल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। तो यहाँ हमारी क्रिम्पिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसके बाद हम वापस से अपना ईयर टू ईयर पार्टिंग जो है वो निकाल लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे पोनीटेल। तो बैक पे हमें पोनीटेल बनानी है, जहाँ भी आपको बन बनाना है वहाँ पे आप अपनी पोनी बनाएंगे। अगर आपको बिल्कुल लो बन बनाना है तो बिल्कुल नीचे बनाइए, अगर आपको मिडल में बनाना है तो आप बीच में पोनीटेल बनाइए। तो यहाँ पे मैं नीचे एक पोनी बनाऊंगी और अच्छे से हम स्प्रे करेंगे, ताकि जितने भी बेबी हेयर हैं वो अच्छे से हमारे सारे पोनीटेल में आ जाएं। यहाँ मैं ले रही हूँ लूप, इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, और इसको हम अच्छे से टाई कर देंगे और अपनी पोनीटेल को फिक्स कर देंगे। अब हम सेट करेंगे अपना मांग टीका। तो जो भी आपका मांग टीका है उसमें आप थ्रेड लगा लीजिए और अच्छे से उसको ऐसे फिक्स करिए। पीछे ले जाकर उस पर हम लगाएंगे बॉब पिन, तो बॉब पिन से हम अच्छे से उसको क्रॉस टाइप में फिक्स करेंगे, और जो थ्रेड है उसको भी हम अच्छे से 4 से 5 बार फिक्स कर देंगे पिंस के साथ। और अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपका टीका कहीं जा सकता है, तो हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा होल्ड स्प्रे। इसके बाद आपका टीका कहीं नहीं जाने वाला है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है पफ। तो पफ बनाने के लिए हम थोड़े थोड़े सेक्शंस यहाँ पे लेके उनको करेंगे बैक कॉम। यहाँ मैंने थोड़ा सा सेक्शन लेफ्ट से लिया और थोड़ा सा राइट से, और इनको आपस में मिलाने के बाद मैं इन पे करूँगी बैक कॉमिंग। ध्यान रहे आपकी बैक कॉमिंग जो है वो सिर्फ पीछे की साइड होनी चाहिए। अगर आपकी सी थ्रू यानी कि बाहर की तरफ देखने वाली बैक कॉमिंग होगी
तो जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा अनटाइडी दिखेगा। तो इसी तरह हमें 2-3 सेक्शंस और लेने हैं और उनको भी बैक कॉम्बिंग करनी है। ध्यान रहे जब जब आप बैक कॉम्बिंग करेंगे तो उसके बाद स्प्रे जरूर करें ताकि वो बैक कॉम्बिंग वहाँ पे फिक्स हो जाए और बाद में ना खुले। सो मैनी ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड कि आप अपनी वीडियोस में तेज़ बोला करिए, तो यहाँ मैं अपनी वीडियो जो है वो फुल वॉल्यूम पे बना रही हूँ, तो अगर किसी को तेज़ लगे तो आप धीरे करके भी सुन सकते हो। तो हमने बीच में तो बैक कॉम्बिंग कर ली है, अब हम बैक कॉम्बिंग करेंगे साइड्स पे भी, क्योंकि हमें पफ जो है वो बन के लिए क्रिएट करना है, तो हम पूरा एक बड़ा पफ क्रिएट कर रहे हैं, तो बीच में और साइड्स पे दोनों तरफ हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। अब सारे बालों को एक साथ लेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शाइन स्प्रे, तो ओसिस प्लस का मैं यहाँ पे शाइन स्प्रे यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा, हमारे हेयर में बहुत अच्छी शाइन भी आ जाएगी और अगर बाहर कोई बैक कॉम्बिंग रह भी गई होगी तो वो अपने आप डिटैंगल हो जाएगी और अच्छे से बाल जो है वो एकदम नीट हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने सारे पफ वाले हेयर को होल्ड करेंगे एक बड़ी यू पिन के साथ, क्योंकि अभी हमें इसमें करनी है लेयरिंग और जिसके लिए हम अभी इसमें बॉब पिन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बाउंस क्रिएट करूँगी अपनी टेल कॉम्ब की टेल के साथ, और इसमें बाउंस क्रिएट करने के बाद अब हम इसमें निकालेंगे लेयर्स। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लेयर्स निकाल सकते हो, दूर दूर या पास पास, दैट्स ऑल अप टू यू। और मैंने यहाँ पे लेयर्स निकाल ली हैं। अब हम अपनी लेयर्स को होल्ड कर लेंगे और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टास्क का होल्ड स्प्रे इन नंबर 5। फ्रंट वेरिएशन के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक छोटा सा सेक्शन जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इस पर मैं करूँगी थोड़ा सा शाइन स्प्रे और बाकी के बालों को हम कर देंगे लॉक। अच्छे से नीट करने के बाद अब हमें इससे जो सबसे आगे वाला पार्ट है यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन निकाल के उधर के साइड पे कर देना है, और इस वाले सेक्शन पे अब हम बनाएंगे एक ब्रेड। नॉर्मल ब्रेड बनानी है हमें 3 सेक्शंस वाली। और साथ के साथ ही हमें उसको थोड़ा थोड़ा ओपन भी करते जाना है, दोनों साइड से ओपन करेंगे। अगर किसी की स्प्रेडिंग इतनी नीटली और अच्छे से नहीं होती है तो जस्ट क्रिम्प योर हेयर एंड यूज शाइन स्प्रे, उसके बाद ये स्प्रेडिंग बहुत इजीली आपसे हो जाएगी। इसी तरह इसको पूरा पीछे तक लेके जाना है और पिन अप करना है। आप में से किसी को भी अगर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो लग रही हो तो अपने अकॉर्डिंग जो ऊपर राइट में 3 डॉट्स हैं उसमें प्लेबैक स्पीड पे जाकर अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अपनी फर्स्ट ब्रेड जो है वो पिन अप कर दी है। अब हम आते हैं फ्रंट पे, तो ये जो हमने छोटा सा सेक्शन निकाला हुआ था इसको भी हम स्प्रे लगा के अच्छे से नीट कर लेंगे और इस पे भी हम एक ब्रेड बना लेंगे, और ये वाली ब्रेड जो होगी वो बहुत पतली होगी। इस छोटी ब्रेड को और अच्छे से और नीटली करने के लिए आप इसमें सीरम का यूज़ भी कर सकते हो, जो भी हेयर सीरम आपके पास पड़ा हो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी ये छोटी वाली ब्रेड जो है वो और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन अच्छी बनेगी।
इस ब्रेड को भी हम पीछे ले जाके टक कर देंगे। ध्यान रहे कि जो ये छोटी वाली ब्रेड है वो पहले वाली ब्रेड के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। अब हम आते हैं आगे के बचे हुए बालों पे। तो अगेन हमें एक और सेक्शन लेना है जैसे हमने पहले वाला लिया था, और इस सेक्शन को अब हम साइड कर लेंगे और बाकी के हेयर को लॉक कर देंगे। अगेन इसमें से भी एक छोटा सा फ्रंट से सेक्शन निकालेंगे और बाकी वाले सेक्शन पे हम बनाएंगे ब्रेड। स्प्रे करना ना भूलें, शाइन स्प्रे आपको हर सेक्शन पे करना है। अगर आपको हर सेक्शन पे स्प्रे नहीं करना तो आप ओवरऑल पहले ही फ्रंट पे स्प्रे कर सकते हो। अब आगे के जितने भी ब्रेड्स बनेंगे उसमें सिर्फ एक साइड से ही आपको लूज करना है, ओपन करना है, दोनों साइड से नहीं करना क्योंकि दूसरी साइड से अब वो नहीं दिखेगा। तो एक एक साइड से हमें ओपन करना है। जो बिल्कुल फर्स्ट ब्रेड है उसे दोनों साइड से, और उसके आगे जो है उनको ओनली वन साइड से। एंड आप चाहो तो टोटल दो ब्रेड्स भी बना सकते हो, नहीं तो चार, पाँच, छः, जितनी मन चाहे आप उतनी ब्रेड्स आगे बना सकते हो। ठीक पहले वाली ब्रेड की तरह हम इसको भी पीछे लॉक कर देंगे बॉबपिन से। और अगर आप छोटी बॉबपिन का यहाँ यूज़ करो तो बेटर रहेगा क्योंकि हमारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं उनके लिए छोटी बॉबपिन इनफ है। अब इसके भी आगे वाली जो छोटी ब्रेड है उसको भी हम अच्छे से बना लेंगे और इसके बीच में प्लेस कर देंगे। बहुत सारी क्वेरीज के बाद और क्वेश्चंस के बाद अब हमारे पास भी सारी तरह की डमीज़ अवेलेबल है। सिंथेटिक से लेके 100% रियल हेयर डमीज़ हमारे पास आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज विंसम हेयर एक्सेसरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप हमें DM कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए। और वहाँ पर सिर्फ आपको डमीज़ ही नहीं बल्कि सारे हेयर टूल्स, स्टैंड और हेयर एक्सेसरीज, आई लैशेज, नेल्स और बहुत तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारे एक्सेसरी पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड ब्रेड पे। तो सेम स्टेप के साथ हम अपना थर्ड सेक्शन लेंगे और फ्रंट से छोटा सा पार्ट छोड़ देंगे। और अगेन अब हम इस सेक्शन पे भी अपनी ब्रेड बनाएंगे। आप चाहो तो टोटल दो या तीन ब्रेड्स भी बना सकते हो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस हेयर स्टाइल के लिए अच्छे से क्रिम्पिंग ज़रूर करें ताकि हमारे बालों को बाउंस मिले, क्योंकि ये जो फ्रंट ब्रेड्स हैं इसमें बाउंस तभी आएगा जब आप क्रिम्पिंग करोगे, अदरवाइज जो है बहुत फ्लैट सा लुक देगा। तो क्रिम्पिंग करना ना भूलें। तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है, एक बड़ी ब्रेड बनानी है और एक छोटी ब्रेड बनानी है। और मैं यहाँ हर सेक्शन में शाइन स्प्रे यूज़ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट के हेयर जो होते हैं क्लाइंट के, वो काफ़ी बार बेबी हेयर उसमें बहुत होते हैं, ब्रेकआउट हेयर बहुत होते हैं, ब्रेकेज हेयर होते हैं। सो इसीलिए अगर हम शाइन स्प्रे जब करेंगे तो वो सारे जो टूटे हुए बाल हैं, छोटे छोटे बाल हैं, वो सब हमारी ब्रेड में इजीली आ जाएंगे। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारी लास्ट ब्रेड। तो इसके लिए भी हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे फ्लेक्स भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पे अगेन मैं पहले बड़ी ब्रेड बनाऊंगी जो कि मैं वन साइड से ओपन करूंगी, और उसके ऊपर छोटी वाली ब्रेड बनाऊंगी।
हमारी लास्ट प्लेट भी बन चुकी है, इसको भी हम पीछे टक कर देंगे छोटी पॉपकॉर्न के साथ। और यहाँ पे अब जितनी भी हमारी छोटी वाली प्लेट्स हैं हम उनको फिक्स करेंगे ताकि वो इधर उधर ना हिले अपनी जगह से। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं फाइन पिंस का, सबसे छोटी जो यू पिंस होती हैं, फाइन पिंस इनविजिबल पिंस भी कहते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। एक प्लेट पर आप एक या दो फाइन पिंस यूज़ कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी दिखेंगी नहीं तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई सेक्शन आपको लग रहा है कि बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसे आप इस तरह से यू पिन की हेल्प से सेट कर सकते हो और ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। सेम मेथड से हम दूसरी साइड भी सारी प्लेट्स बना देंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए एक बार दूसरी साइड से भी लास्ट प्लेट अपनी बना रही हूँ। ध्यान रहे आपकी सारी ब्रेड्स यानी कि लेफ्ट और राइट की ब्रेड्स इक्वल दिखें, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस ना हो उनमें। तो यहाँ पे अब मैं अपने टीके को सेट कर रही हूँ आईलैश ग्लू के साथ। तो यहाँ पे मैंने मिस क्लियर की आईलैश ग्लू ली है, आप कोई भी आईलैश ग्लू लेके अपने टीके पर लगा के उसको फिक्स कर सकते हो। इसको 2-3 सेकंड के लिए छोड़ने के बाद इसको प्रेस करेंगे अच्छे से और ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका रियल ज्वेलरी है और ख़राब हो सकती है तो आप डबल टेप या फिर ग्लू ड्रॉप का यूज़ भी कर सकते हो। और बैक पे आएंगे, बैक पे हमें बनानी है पोनी टेल। तो अगेन मैं लूप का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो नॉर्मली रबर बैंड से भी एक पोनी टेल बना सकते हो। अपनी चोटी को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और करेंगे ट्विस्ट। और ट्विस्ट करने के बाद हम इसमें से क्रिएट कर देंगे एक बन और साथ के साथ हम इसमें लगाएंगे यू पिंस। तो जैसे जैसे हम रोल करेंगे वैसे वैसे हम इसमें पिंस लगाएंगे। बड़ी यू पिंस का यूज़ आपको यहाँ पे करना है और एक फ्लावर जैसी शेप आपको यहाँ पे देनी है इस बन को। इसको मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ ये फ्लावर बेल से, ये हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको किसी भी अच्छी एक्सेसरी शॉप से ये मिल जाएंगी। तो ब्राइडल बन पे हम ये मोस्टली यूज़ करते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है। आप चाहो तो रियल हेयर रियल फ्लावर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पिंस के साथ साथ इसको फिक्स किया है यू पिन के साथ साथ में ही, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे अच्छे से दूसरी बेल के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको बीच में से स्टार्ट किया और इसको अच्छे से घुमा के एक एक पिन लगाते हुए मैं इसको फिक्स कर दूँगी। हम गजरे को भी ऐसे ही फिक्स करते हैं, हम इनको भी ऐसे ही फिक्स करेंगे। तो यहाँ हमारी एक्सेसरीज भी लग चुकी हैं और हमारा हेयर स्टाइल जो है वो रेडी है। तो आई होप आप सबको ये पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।